सब्सक्राइब करें जेड ए क्लासेस को और नई वीडियो देखने के लिए घंटी के बटन को दबाएं। दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल जेड ए क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप लोगों को एक्सरसाइज 3.2 में क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ाने जा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 7 में एक्स और वाई की वैल्यू ज्ञात करना है। आप लोगों को एक्स और वाई का मान ज्ञात करना है। तो चलते हैं, पहला सॉल्व करते हैं। पहला दिया गया है एक्स प्लस वाई बराबर दिया गया है अब यूज 7025 दिया गया है दोस्तों, और वाई बराबर दिया गया है, और एक्स प्लस एक्स माइनस वाई बराबर दिया गया है 3003 दिया गया। यहाँ पे इसको दोस्तों, यहाँ पे इसको समीकरण 1 मान लेंगे और इसको समीकरण 2 मान लेंगे। दोनों को जोड़ेंगे तो यहाँ पे y और माइनस वाई कैंसिल हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो लिखेंगे समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर जोड़ेंगे दोस्तों, x और x मिलके 2x हो जाएगा, प्लस y और माइनस वाई कैंसिल हो जाएगा। आप ये जो a11 को a11 के साथ जोड़ेंगे 7+3 हो जाएगा, a12 को a12 के साथ जोड़ेंगे 0+0, a21 को a21 के साथ जोड़ेंगे 2+0, a22 को a22 के साथ जोड़ेंगे 5+3 हो जाएगा। यहाँ पे मिलेगा 2x बराबर 7 3 10 मिलेगा। यहाँ पे 0 ही रहेगा, यहाँ पर 2 और 0 मिलके 2, 5 और 3 जोड़ेंगे 5 3 8 हो जाएगा। 2x बराबर ये मिला है दोस्तों, x बराबर हो जाएगा, ये नीचे चला आएगा 1/2 10 0 2 8। जैसे आप यू लिखा रहेगा वैसे लिख देंगे, बस ये जो यहाँ पे जो नंबर रहेगा वो नीचे यहाँ पर चला आएगा। अब गुणा करेंगे दोस्तों, तो गुणा करोगे तो मिलेगा एक्स बराबर आएगा 10 में 2 से भाग करेंगे या 10 10/2 क्या मिलेगा 5 मिल जाएगा, 2 5 10, 2 का 0 में गुणा करेंगे 0 ही आएगा, फिर 2 का 2 में भाग होगा 1 आएगा, और 2 का 8 में भाग करेंगे 2 6 8, तो एक्स की वैल्यू जो आएगा वो 5014 आएगा दोस्तों, ये एक्स की वैल्यू आएगी। अब दोस्तों एक्स की वैल्यू मिल गई है, हमको y की वैल्यू निकालना है, तो समीकरण नंबर 1 में रख देंगे x का मान। लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखेंगे दोस्तों तो यहाँ पे x, यहाँ पे क्या लिखेंगे 5014 प्लस y बराबर क्या दिया गया है 7025। ये यक्ष की जो वैल्यू है, समीकरण नंबर यक्ष यहाँ पे रख दिया गया है। अब इसको दोस्तों राइट साइड ले जाएंगे तो घटा देंगे, y बराबर हो जाएगा 7025 माइनस ये वाला अब यू इस तरफ आएगा घट जाएगा 5014 हो जाएगा। अब दोस्तों घटाएंगे a11 को a11 के साथ घटाएंगे, 7 में 5 घटाएंगे 2 आएगा, 0 में 0 घटाएंगे 0, 2 में से 1 घटाएंगे 1, और 5 में से 4 घटाएंगे 1। ये दोस्तों आएगा इसका आंसर रहेगा, यक्ष की वैल्यू 5014 आया है और y की जो वैल्यू आएगी 2011 आएगी। ये वैल्यू पहला, ये क्वेश्चन नंबर 7 का दूसरा जो दिया गया उसको हल किया जा रहा है।
दूसरा दिया गया दोस्तों, क्वेश्चन नंबर दो दिया गया है, 2x+3y=2340 दिया गया है और 3x+2y दिया गया है 2-2-1 दिया गया है। ये समीकरण नंबर इसको 1 मान लेंगे और इसको समीकरण नंबर 2 मान लेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों अगर इसमें हम 2 से गुणा कर दें और इसमें 3 से गुणा कर दें और फिर घटा देंगे तो y की वैल्यू कैंसिल हो जाएगी। जैसे 2 से गुणा करेंगे 2 × 3 = 6y और 3 × 2 = 6y, 6y में 6y घटाएंगे तो y की वैल्यू कैंसिल हो जाएगी, x की वैल्यू मिल जाएगी। तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 में 2 से और समीकरण 2 में 3 से गुणा करने पर, 3 से गुणा करने पर समीकरण 1 में 2 से गुणा करेंगे दोस्तों क्या मिलेगा, 2 × 4x+2 × 6y = मिलेगा। अब यूं भी 2 से गुणा होगा, 2 × 4, 2 × 3 = 6, 2 × 4 = 8, 2 × 0 = 0 हो जाएगा। ये समीकरण नंबर 3 प्राप्त होगा। और समीकरण 2 में 3 से गुणा करना है, 3 से गुणा करेंगे 3 × 9x हो जाएगा प्लस 3 × 6y = इसके अभी 3 से गुणा करेंगे 3 × 6, 3 × −6, 3 − 3, 3 × 15। ये समीकरण नंबर 4 हो जाएगा दोस्तों। अब यहाँ पे समीकरण 3 में से समीकरण 4 को घटाएंगे तो y की वैल्यू क्या होगी, कैंसिल हो जाएगी। लिखेंगे समीकरण 3 में से, या ये कहें कि पॉजिटिव वैल्यू लाने के लिए दोस्तों समीकरण 4 में से 3 घटा देंगे तो पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी। तो लिख दें समीकरण 4 में से समीकरण 3 घटाने पर, घटाएंगे दोस्तों यहाँ पे 9 में से 4x जाएगा कितना मिलेगा 5x, यहाँ 6y में 6y कैंसिल कर देंगे 0 हो जाएगा बराबर। ये वाला समीकरण 4 वाला अभी लिख लेंगे, 6 − 6 − 3 = 15 घटाना है, कौन सा समीकरण 3 वाले घटाना है इसको लिख लेंगे, 4 6 8 0। दोस्तों इसको घटाएंगे करेंगे तो यहाँ पे 5x = मिलेगा। यहाँ दोस्तों घटाएंगे 6 और −4 हो जाएगा, 6 − 4 a11 में से a11 घटाएंगे, a12 में से a12 घटाएंगे, a12 −6 दिया गया और यहाँ पे −6 ये भी हो जाएगा −6। फिर यहाँ पे −3 दिया गया, a21 −3 लिखेंगे और माइनस का इसमें गुणा करेंगे −8 हो जाएगा। फिर यहाँ पे a22 दिया गया है, 15 दिया गया है, यहाँ पे गुणा करेंगे −0 हो जाएगा। तो इसको हल करेंगे 5x = मिलेगा, 6 में 4 घटाएंगे 2 आएगा, −6 − 6 मिलके −12 हो जाएगा, −8 और −3 − 11 = 15 में 0 जाएगा, 15 हो जाएगा। x की वैल्यू निकालना दोस्तों, x = हो जाएगा 5 नीचे चला जाएगा, 1/5 मिलेगा, 2 − 12 − 11 = 15 ये दिया गया। 5 से दोस्तों इसमें भाग करेंगे
क्या मिलेगा, x बराबर आएगा दो बटे में पाँच हो जाएगा, माइनस बारह बटे में पाँच, यहाँ पे माइनस ग्यारह बटे में पाँच हो जाएगा, और यहाँ पंद्रह बटे पाँच क्या मिलेगा, तीन मिल जाएगा। ये दोस्तों x इक्वल हमको प्राप्त हो गई है। अभी x का मान समीकरण नंबर एक में रख देंगे, एक में रख के y की वैल्यू प्राप्त करेंगे। तो लिखेंगे समीकरण x का मान, समीकरण एक में रखने पर, एक समीकरण एक इसी को माना गया दोस्तों, तो यहाँ पर जो मिलेगा दो गुणे x की वैल्यू क्या आई है, दो बटे में पाँच, माइनस बारह बटे में पाँच, माइनस ग्यारह बटे में पाँच, और यहाँ पे तीन आया है। और प्लस क्या है, तीन वाई बराबर क्या है, आप यूँ दो तीन चार जीरो। ये दोस्तों इसको दोस्तों गुणा करके राइट साइड लेके घटाएंगे, तो गुणा करेंगे दो का दो में गुणा करेंगे, दो दुनी चार बटे में पाँच हो जाएगा, और यहाँ बारह दुनी चौबीस, चौबीस बटे में पाँच हो जाएगा, यहाँ पे दो एक ग्रही हैं बाईस, बाईस बटे में पाँच हो जाएगा, और यहाँ पे दो तियाँ छः मिलेगा, प्लस तीन वाई बराबर दो तीन चार जीरो। इसको दोस्तों दाएं साइड ले जा रहा, राइट साइड, तो मिलेगा तीन वाई बराबर आवयु क्या दिया गया, दो तीन चार जीरो दिया गया है। इसको ले जाएंगे उस साइड तो माइनस हो जाएगा, माइनस चार बटा पाँच, माइनस चौबीस बटे में पाँच हो जाएगा, माइनस बाईस बटे में पाँच, यहाँ पे छः दिया गया। अब दोस्तों इसको घटाएंगे, ए वन वन को ए वन वन के साथ घटाएंगे, ए वन टू को ए वन टू के साथ घटाएंगे, तो यहाँ पे तीन वाई बराबर मिलेगा। यहाँ में दो में से चार बटे पाँच को दोस्तों घटाएंगे तो क्या मिलेगा, दो माइनस चार बटे में पाँच हो जाएगा। ए वन टू को ए वन टू में से घटाएंगे तो तीन, और ये माइनस और माइनस मिलके क्या हो जाएगा दोस्तों, प्लस हो जाएगा, प्लस चौबीस बटे में पाँच हो जाएगा। ए टू वन में से ए टू वन को घटाएंगे चार, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, प्लस बाईस बटे में पाँच हो जाएगा। यहाँ पे जीरो में से छः घटाएंगे तो जीरो माइनस छः हो जाएगा। अब यहाँ पे मिलेगा तीन वाई बराबर, यहाँ पे दोस्तों एलसीएम लेंगे, पाँच दुनी दस, दस में चार जाएगा कितना आएगा, छः बटे में पाँच होगा, पाँच दुनी दस, दस में चार गया छः बटे में पाँच हो जाएगा। यहाँ पे आएगा पाँच तिया पंद्रह, पंद्रह और चौबीस जोड़ेंगे उनतालीस हो जाएगा, उनतालीस बटे में पाँच हो जाएगा। यहाँ पे दोस्तों आएगा पाँच चौके बीस, बीस और बाईस जोड़ेंगे बयालीस बटे में पाँच आएगा। अब जीरो में छः निकलेगा तो माइनस छः आएगा। अब ये तीन वाई बराबर दोस्तों मिला है, वाई बराबर हो जाएगा, वाई बराबर तीन आएगा तो नीचे एक बटा तीन हो जाएगा। ये जैसे अभी लिखा छः बटा पाँच, उनतालीस बटे में पाँच और बयालीस बटे में पाँच माइनस छः, जैसे अभी लिखा वैसे लिख लेंगे। अब तीन से इसमें भाग करेंगे दोस्तों तो मिलेगा वाई बराबर, तीन से छः में भाग करेंगे, तीन दुनी छः, दो बटा पाँच हो जाएगा। तीन से उनतालीस भाग करेंगे कितनी बार जाएगा, तेरह बार, तेरह बटे पाँच हो जाएगा। और यहाँ पे बयालीस में तीन से भाग करेंगे, चौदह तीन बयालीस होता है दोस्तों, कितना मिलेगा, चौदह बटे में पाँच मिलेगा। और तीन से छः भाग करेंगे, तीन दुनी छः, तो दोस्तों ये y की वैल्यू हमें प्राप्त होगी, x की वैल्यू पहले प्राप्त हो चुकी है, ये y की वैल्यू।
तो ये क्वेश्चन नंबर 7 आप लोगों को कंप्लीट किया गया है। क्वेश्चन नंबर 8 आप लोगों को नेक्स्ट क्लास में पढ़ाया जाएगा दोस्तों।